हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वर्गिक छवि के लिए जाना जाता है, अपितु प्राकृतिक आपदा की संभावना के लिए भी वह राज्य उतना ही संवेदनशील माना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत जो बहु आपदा उन्मुख राज्य है, इट इज़ अ मल्टी डिजास्टर प्रोन स्टेट। और जो हाई पावर्ड कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी 2000 में, उसने 2001 में एक रिपोर्ट दी थी कि जो हमारा भारत देश है उसमें 33 प्रकार की आपदाएं होती हैं, उसमें से 25 प्रकार की आपदाएं हमारे प्रदेश में होती हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से होकर गुजरना मतलब बर्फीली हसीन वादियों से होकर गुजरते हुए पहाड़ जंगलों की रोमांचक यात्रा करना है। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का एक केंद्र भी है शिमला जिला। ब्रिटिश राज में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में एक है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अकेले वर्ष 2015 में 1.75 करोड़ पर्यटक शिमला भ्रमण के लिए आए। जिले में 7 तहसीलें और 12 सब तहसीलें हैं, जो 7x7 सब डिवीजन में विभाजित हैं। हाल के दशकों में अनियोजित विकास, तीव्र शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन आदि की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं और अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। बहुत बड़ी भारी जोर की बारिश हुई और जी ऊपर से जब नाला आया तो नाले में जो है तो बड़े बड़े पत्थर वगैरह चल पड़े। फिर पानी तो कम से कम कोई 15-20 फुट हाइट में था जी, तो उसने सब कुछ अपने साथ ले गया और जो कुछ आगे उसको आया। शिमला में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना और जलाशय के बांध का टूटना प्रमुख आपदा है। अन्य आपदाओं में अचानक आई बाढ़, हिमपात, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, सड़क दुर्घटना और बिजली गिरना जैसे संकट शामिल हैं। शिमला में रासायनिक और औद्योगिक आपदा, जंगल में आग, सूखा, गांव में आगजनी और महामारी जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है। आपदाओं के खतरे की संभावना के हिसाब से देखें तो शिमला जिला में सभी सब डिवीजनों में भूकंप, बादल का फटना, अचानक आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, जंगल की आग, सड़क दुर्घटना और गांव की आग का खतरा उच्च स्तर पर है। जबकि भूस्खलन, बिजली का गिरना और महामारी मध्यम स्तर पर है। आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बेहतर प्रबंधन से हम उनकी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए जिले में मौजूद हर सरकारी संस्थान के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो आपदा प्रबंधन में अपना पूर्ण सहयोग दें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीतियों और योजनाओं को लागू करने का संयोजन व निगरानी करता है, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य गतिविधियों का समन्वय करना, उन्हें लागू करना और प्रशासन व संबंधित निकायों की जरूरत के अनुसार स्रोतों का आयोजन करना है। इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन, तहसील प्रबंधन और ग्राम प्रबंधन आते हैं। शिमला जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला के उपायुक्त के अंतर्गत कार्य करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य योजना बनाना, समन्वय करना और आपदा प्रबंधन को लागू करना है। शिमला जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से लागू किया जाना चाहिए। जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य जिला में किसी भी आपदा के समय तमाम जानो माल की हानि को रोकना और बचाना है, जिसके लिए जिले में मौजूद सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं व अधिकारियों की जिम्मेदारियां व कार्य सुनिश्चित करना और समन्वय व संचार स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के लिए स्रोतों को जुटाना और तैयार करना और सभी तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करके एक ऐसा प्रभावी तंत्र तैयार करना है जो उचित समय पर राहत और बचाव गतिविधियों को कार्यान्वित कर सके। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर इन कार्यवाहियों की निगरानी, मूल्यांकन व सुधार करता है। शिमला पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो हमारी जनसंख्या है उसके कारण से बहुत प्रेशर रहता है यहाँ पे। साथ साथ में जो हमारी यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं, यही एक शहर ऐसा है जहाँ पर
पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, साथ साथ में यहाँ पर हिमपात भी होता है, यहाँ पे वर्षा भी होती है, 3 महीने का क्लियर मानसून सीजन होता है, तो लैंडस्लाइड्स कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, आपका स्नोफॉल, अर्थक्वेक, ये भी सेस्मिक जोन में भी है, तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे पास हैं यहाँ पर। जिस तरह से पूरे हिल साइड्स में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू अदर सिटीज़। एक चीज़ जो शिमला की यूनिक है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली स्नो के टाइम में, देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म। लोग पंजाब हरियाणा से आते हैं, प्लेन से आते हैं केवल बर्फ़ को देखने के लिए, तो वही भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। शिमला ज़िले में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें क्षमता का विकास करना और स्थानीय निकायों को आपदा से निपटने के लिए तैयार करना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि आम जनता को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक कर उनकी तैयारी और क्षमता का विकास करें। आपदा प्रबंधन को 3 चरणों में बांट सकते हैं, आपदा शमन, पूर्व तैयारी, राहत बचाव, पुनर्वास। आपदा प्रबंधन के तहत आपदा को रोकने या कम करने, आपदा की स्थिति की पूर्व तैयारी के अलावा आपदा के समय जनधन को बचाना, पीड़ितों को पुनर्वास एवं आपदा के बाद पैदा होने वाली स्थिति से निपटने की तैयारी शामिल होती है। कुछ सामान्य आपदा शमन बचाव या रोकथाम उपाय तथा विभिन्न विभागों की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। पीडब्ल्यूडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कमजोर सड़कों की मरम्मत करवाना और भूकंपीय सुदृढ़ीकरण करना, अन्य रास्तों की खोज करना भी उनके अधीन है। बाढ़ के आगमन से पहले जोखिम को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यूडी ही कमजोर तटबंधों को मजबूत बनवाता है एवं उन्हें ऊंचा करने का कार्य करता है। सिंचाई विभाग का काम तटबंधों की मरम्मत और उसे सुदृढ़ करना होता है। नदियों और नहरों से गाद निकालकर पानी के बहाव को बनाए रखना, कैचमेंट क्षेत्र का रखरखाव करना, आसपास के इलाकों में वृक्षारोपण और नए चेक डैम बनवाना भी सिंचाई विभाग का काम है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पूरे साल इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एवं पावर ग्रिड का रखरखाव सुनिश्चित करता है। पूरे जिले में विद्युतीकरण करना और सुरक्षित आश्रयों के पास सौर लैंप्स लगवाना तथा उनका रखरखाव करना भी इसी विभाग का काम है। अग्निशमन विभाग का काम अलग अलग जगहों पर अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना करना है, जिससे पूरे जिले में अग्निशमन सेवा पहुंचाई जा सके। अग्निशमन के काम में आधुनिक साजो सामान और तकनीकों का इस्तेमाल करना, नए भवनों के निर्माण में अग्नि सुरक्षा कानून और बिल्डिंग कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करना भी अग्निशमन विभाग का काम है। कृषि विभाग का काम किसानों के लिए बीज भंडार का निर्माण कराना तथा नई तकनीकों के द्वारा सिंचाई एवं जल संरक्षण को सुनिश्चित करना, सूखाग्रस्त इलाकों के लिए आकस्मिक योजना की तैयारी करना भी इसी विभाग का काम है। आपदा शमन, इनमें आपदा के विनाश को कम करने में समुदायों को प्राकृतिक आपदा व उसकी बचाव की तैयारी के लिए प्रशिक्षित करना और इस क्षेत्र में समन्वय, संचार व तकनीक के प्रयोग द्वारा आपदा के विनाश को कमतर करने जैसे कदम शामिल हैं। संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक आपदा शमन यानी डिजास्टर मिटिगेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक यानी नॉन स्ट्रक्चरल दोनों ही तरह की योजना बनाई जा सकती हैं। स्ट्रक्चरल योजना में इंजीनियरिंग जैसे बिल्डिंगों का निर्माण और नॉन स्ट्रक्चरल योजनाओं में जन जागरण, क्षमता संवर्धन और सामुदायिक स्तर पर नई योजनाएं बनाना शामिल है, जैसे भूकंप के लिए निर्वर्तमान संरचनाओं को मजबूत करना, प्रमुख भवनों को चिन्हित करना, इन भवनों की सुरक्षा को एवं कमजोर भवनों को मजबूत करना, ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना और वैकल्पिक रास्तों को चिन्हित करना होता है। भूकंप की स्थिति से निपटने की तैयारी में मॉक ड्रिल्स का आयोजन बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अचानक आई बाढ़, फ्लैश फ्लड की आपदा से निपटने के लिए तहसील मुख्यालयों में जल निकासी के रास्ते तैयार करना, बाढ़ रोधी बांधों को मजबूत करना, झील, तालाब, बांध व जल संचयन की सुरक्षा मजबूत करना, बाढ़ के पानी की निचली भूमि पर निकासी का प्रबंध करना आदि शामिल है। जंगल की आग के लिए अग्नि सुरक्षा कानून के तहत जंगल के इलाके को जोन में बांटना और आग के मौसम में कुशल मानव श्रम उपलब्ध कराना शामिल है।
जबकि दूर दराज इलाकों में आग से बचाव के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई टैंकरों का उपयोग किया जाना चाहिए। भूस्खलन के लिए भूमि उपयोग नियमों का पालन कर कैचमेंट क्षेत्र की मरम्मत और वृक्षारोपण करवाकर छोटे बांध बनाकर और भूस्खलन संभावित इलाकों में पेड़ पौधे लगाकर भूस्खलन को रोका जा सकता है। लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना और उसके बचाव में प्रशिक्षित करना एक कारगर उपाय है। सूखे की आपदा के लिए ड्रिप सिंचाई करना, जल प्रबंधन और संरक्षण करना, झील व तालाबों का नवीकरण करना आदि शामिल हैं। सही और समुचित सूचना पट, गतिरोधक दुर्घटना संभावित क्षेत्र में सुरक्षा पट लगाने, सड़कों को चौड़ा करके और मरम्मत करके, सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने की जगह बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। पहाड़ी रास्तों में यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करके भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसी तरह मानव निर्मित आपदाओं जैसे रासायनिक दुर्घटनाओं, आगजनी आदि के बचाव व रोकथाम के लिए अगर कानून का सही व समुचित पालन किया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। सभी संस्थाओं, विभागों और जिलों में चलने वाली योजनाओं का इस्तेमाल करके ही बेहतर आपदा प्रबंधन कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इसलिए शिमला जिले में चलने वाली सभी सरकारी योजनाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ा जाना चाहिए। मनरेगा के तहत उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी जगह के प्राकृतिक खतरों को कम करने में मददगार हो, जैसे कि जल संचयन करवाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMGAY के अंतर्गत घरों के निर्माण में उन उपायों का प्रयोग किया जाएगा जो कि जोखिम प्रतिरोधी होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण और रखरखाव के दिशा निर्देशों में बदलाव कर सड़कों को हर मौसम में यातायात के लायक बनाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की सुरक्षा के लिए नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी। विद्यालयों को संरचनात्मक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए मॉडल विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यापक जोखिम बीमा का प्रबंध किया जाता है। सूखा, कीटाणु, बीमारियों, भूस्खलन इत्यादि की परिस्थितियों में बीमा की उपलब्धि कराई जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा वर्कर्स एवं डॉक्टर्स को आपदा और आपातकालीन समय के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP के अंतर्गत आपदा शमन कार्य किए जाएंगे। पानी और मिट्टी के दोहन, संरक्षण और विकास के कार्य को बल दिया जाएगा। किसी भी आपदा का प्रभावी प्रबंधन आपदा पूर्व तैयारी से होता है। सरकार पेशेवर प्रतिभागियों एवं संगठनों और समुदायों को आपदा की संभावना और उस पर प्रतिक्रिया आदि के संबंध में प्रभावी तरीकों से क्षमता विकसित करने को आपदा पूर्व तैयारी कहा जाता है। इस तैयारी में ऐसे नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने की आवश्यकता है जिसमें सभी लाइन विभाग एकजुट होकर कार्य करें और आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहें। इसी तरह आपदा प्रबंधन की जो योजना शिमला में चल रही है उसे समय समय पर देखना और उसमें आवश्यक सुधार करना, गांव, तालुक और जिला स्तर पर राहत एवं बचाव टीमों को, फर्स्ट एड टीमों को और आपदा प्रबंधन की टीमों को तैयार रखना, इनमें स्वयं सेवकों को तैयार करना भी शामिल है। इसी तरह समुदायों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना और उन्हें इसके लिए तैयार करना भी तैयारी में ही आता है। हर टीम में स्वयं सेवकों को विशेष कार्यभार दिया जाता है और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। बार बार आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल्स का आयोजन करना अति आवश्यक है ताकि सारे टीम प्रशिक्षित एवं तैयार हों। इसी तरह आपदा के प्रति जन जागरण भी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे समुदाय को, खासतौर पर आपदा संभावित इलाके में बसने वाले लोगों को, आपदा और संकट तथा इसके प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी देना अत्यंत जरूरी है। फायर सर्विस को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर्विस माना गया है। फायर सर्विस को अग्निशमन के अलावा, फायर फाइटिंग के अलावा हमें अन्य प्रकार की जो रोड एक्सीडेंट हैं, फॉरेस्ट फायर हैं और लैंडस्लाइड्स हैं, इनमें भी हमें कॉल्स मिलती हैं और हमारे जवान अपना योगदान देकर के सैकड़ों जाने रोड एक्सीडेंट में हमें बचाई हुई हैं।
आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी में पूर्व चेतावनी व्यवस्था का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसका सीधा असर खतरे को कम करने, जरूरी कार्यवाही को अंजाम देने आदि पर पड़ता है। इसलिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था को बहुत चुस्त और त्वरित होना चाहिए। संचार व्यवस्था की पूर्ण तथा समयबद्ध जांच भी बहुत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में जिले के कार्यों की निगरानी की जाती है और उसके साथ समन्वय बिठाया जाता है। शिमला में सभी तरह की संचार व्यवस्था को दुरुस्त करके अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। नियमित रूप से मॉक ड्रिल्स भी करवाए जाते हैं। शिमला जिले में आपदा प्रबंधन के कार्यों में पूर्व तैयारियों में क्षमता संवर्धन का कार्य बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्षमता संवर्धन का मूल उद्देश्य आपदा के खतरे को कम करना और समुदायों को ज्यादा सुरक्षित बनाना होता है। इसके लिए प्रशिक्षण में इन संस्थाओं को अपने रोजमर्रा के कामों को आपदाकालीन समय में करने का अभ्यास व प्रशिक्षण देना चाहिए। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, उससे निपटने का सबसे प्रभावी तरीका उससे पहले ही बनता है, लेकिन आपदा के समय जानों माल के नुकसान को कम से कम करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाना, आपदा के बाद होने वाले खतरों को कम करना और आपदा प्रभावित लोगों को पुनर्वास भी आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी आपदा की स्थिति में शिमला जिला में जिला स्तर पर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष फौरन सक्रिय हो जाता है और संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तालुक, तहसील और सब डिवीजन स्तर के नियंत्रण कक्षों को भी सक्रिय कर दिया जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाइन विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों से त्वरित आकलन करते हैं। सभी लाइन विभागों व संबंधित विभागों को फौरन कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। सभी को चेतावनी व आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। पर्यटन से होने वाली आय शिमला और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए पर्यटन गतिविधियों से जुड़े सभी संस्थाओं और समुदाय को आपदा प्रबंधन की योजना और उसके क्रियावरण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उनकी भागीदारी और सहयोग से राज्य में पर्यटन को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाया जा सकता है। जिले के स्तर पर सरकारी विभागों की जिम्मेदारियां इस प्रकार की हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी DEOC का कार्य आपदा की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवा कार्य में लगे सारे टीमों को सूचना देकर सक्रिय करना और उनमें समन्वय स्थापित करना है। होम गार्ड्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और रेड क्रॉस का काम है पूरे जिले में खोज और बचाव कार्य को स्थापित करना एवं उसका उचित तरीके से प्रबंधन करना। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जरूरत पड़ने पर नागरिक अधिकारियों की मदद करनी होती है। जन कल्याण और स्वास्थ्य विभाग का कार्य है चिकित्सा कर्मियों, आपूर्तियों और उपकरणों को सक्रिय करवाना। उन्हें मरीजों के निकास का भी ख्याल रखना होता है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पीने के साफ पानी का इंतजाम करना, उसे इलाकों तक पहुंचाना, महिला, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल करना, मोबाइल शौचालय का प्रबंध कर साफ सफाई सुनिश्चित करना, सीवर पाइप और निकासी के पाइपों का ध्यान रखना और ये सुनिश्चित करना है कि वो पीने के साफ पानी के स्रोतों में ना मिले। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कार्य आपदा के समय चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उन्हें काम पर लगाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का परिचालन करना और सबसे महत्वपूर्ण आपदा के समय जल परिशोधन के लिए जन स्तरीय संसाधन उपलब्ध करवाना है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का काम सड़कों की मरम्मत और रखरखाव करना है। आपदा के बाद सड़कों से मलबे को हटाकर सड़कों को यातायात के लिए तैयार करना है। वैकल्पिक एवं अस्थायी सड़कों का निर्माण करना भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का कार्य एवं जिम्मेदारी तब तक ऊर्जा आपूर्ति की जिम्मेदारी लेना है जब तक स्थानीय ऊर्जा संबंधी विभाग सभी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार ना हो। इसके अलावा तात्कालिक आपूर्ति के लिए आवश्यक उपकरणों और बिजली के अन्य विकल्पों का प्रबंधन करने के लिए तैयार होना चाहिए और नुकसान का जायजा लेना है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का कार्य आपातकालीन परिस्थितियों में मलबे को हटाना, सड़कें साफ करना, अनौपचारिक श्रमिकों का प्रबंध करना, आपातकालीन टूल किट के साथ कार्यवाहक टीम उपलब्ध करवाना,
आपदा के अनुसार साजो सामान उपलब्ध करवाना है। साथ ही राहत शिविरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य इसी विभाग का है। अस्थायी सड़कों का निर्माण और अन्य राजमार्गों को मलबे से बचाए रखने का काम भी इनका ही है। BSNL के लिए जिले में संचार व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करना और प्रभावित इलाकों में अस्थायी संचार सुविधाओं का प्रबंध करना है। BSNL और अन्य संचार विभाग का कार्य है अन्य दूर संचार नेटवर्कों के साथ समन्वय करना और संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखना। आपदा के वक्त पुलिस वायरलेस सेवा को स्थापित करना भी BSNL का एक जरूरी कार्य है। खाद्य एवं जन वितरण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग आदि का कार्य आपदा से पहले अपने तौर पर प्रबंधन व दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य योजना को लागू करना एवं आपदा की स्थिति में सुचारू रूप से कार्य करना है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन की मदद करनी पड़ेगी। राहत सामग्री के प्रबंधन और आपूर्ति में इन्हें प्रमुख एजेंसीज की सहायता करनी होगी। मानवीय प्रयासों से आपदा पर नियंत्रण करना चाहे संभव ना हो, लेकिन एक बेहतर आपदा प्रबंधन योजना द्वारा आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि आपदा प्रबंधन की योजना का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाए, उसकी कमियों को निकाला जाए और इसे बेहतर किया जाए। शिमला ठंडी जलवायु, प्राकृतिक दृश्यों, चीड़ और देवदार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन पर्यटन गतिविधियों में अप्रत्याशित वृद्धि, अनियोजित विकास, तीव्र शहरीकरण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति शिमला जिला अत्यंत ही संवेदनशील हो गया है। एक बेहतर आपदा प्रबंधन योजना सभी सरकारी संस्थाओं के आपसी सहयोग और आम नागरिकों की भागीदारी से अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है और शिमला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक आदर्श जिला और सुरक्षित पर्यटन केंद्र बन सकता है।